चाहिए उनका? नेता विरोधी दल के द्वारा। लालू जी, मैं शुरू में ही बता देना चाह रही हूँ आपको, आपको बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी है, समय बहुत कम। बोले नहीं, नहीं मैं कह रही हूँ, शुरू में कह दे रही। नेता विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ, जट के विरोध करता हूँ। इसलिए मैं विरोध करता हूँ। देखिए, छेड़छाड़ फिर मत करिए, मैं आपको बता दूँ। वेदना रैली आप किया था, बोलने दीजिए। छपरा, आप इधर देख के बोलिए ना, आप काहे हर चीज पे रिएक्ट करते हैं, बोलिए इधर देख के। महोदय, इनको कोई मुंह नहीं है विरोध करने का, ये इलेक्शन 14 के चुनाव को ध्यान में रख के रंगीन चश्मा से देश को गुमराह कर रहे हैं। अगर मैडम नेता विरोधी दल ने यह भाषण किया, बताया देश को कि FDI विकास में नहीं, विकास के तरफ नहीं, गड्ढा में ढकेल रहा है, किस मुंह से आप लोगों ने, मैं आदर करता हूं अटल जी का, अस्वस्थ हैं, किस मुंह से आप लोगों ने FDI रिटेल में 100% अनुशंसा किया, डंका बजा के आपने समर्थन किया जब 2002 में मैनिफेस्टो में, और अभी जोशी जी 2004 से लेकर सब सुबह, अरे फरवरी बात सुना करिए, और अभी जोशी जी बता रहे थे चिंता, मैं इनसे जानना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, विदेशी बात कितना का घड़ी पहने हुए हैं, देख हमारे पास तो है ही नहीं, क्या लंबा लंबा भाषण आप लोग, मैडम मैं कोई सेलुलर फोन में नहीं रखता हूं, ये छाती पर रखते हैं लोग, और जब टेलीफोन आता है तो 100 मीटर के दौड़ में जल्दी फंस सकते हैं कि कहां से आ गया टेलीफोन। गांधी बाबा का नाम लेना, और गांधी बाबा जब मैं रेल मंत्री था तो उसमें देखा, उस कोच में जो रखा था तस्वीर पुराना, तो गांधी बाबा रेल के तीसरे दर्जा में सफर करते थे, और हम लोग कौन दबा में सफर कर रहे हैं अभी। बीजेपी के जो भी नेता रिजर्वेशन रेलवे में कराते हैं उनका डिजायर रहता है कूपे, और यहाँ गांधी बाबा का नाम ले विदेशी गाड़ी में चढ़ रहे हैं, मर्सिडीज में चढ़ रहे हैं, और इनका एक होने वाले हैं, इनके उम्मीदवार होने वाले हैं अगले देश के प्रधानमंत्री, जापान के लोग आओ, विदेशी लोग आओ, आचरा पसार के आओ आओ, विदेशी मेरे यहाँ लगाओ, दीदी को मैं दीदी मानता हूँ, अनादर मत होना, मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अरह के बनारस में पान खाने नहीं आता, अरे से कोई आपको कोई ढंग है आपको,
मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूँ कि मरुआ बोया जाता है कि रोपा जाता है, हमको मैं बता दीजिए उसके। आप बैठे ना, आप बैठे ना। हुकुमदेव जी, हुकुमदेव जी, आप हमारे संगी हैं, आप नहीं बोलिए, मैं इनसे पूछता हूँ। ठीक है, अच्छा कुछ भी है ना, इधर से उधर का। जोशी जी, आज नौजवानों को, किसानों को पढ़ा रहे हैं, एफडीआई पर बोल रहा हूं। जब आप मंत्री थे तो ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ा रहे थे, देश को कहां ले जा रहे थे। मैडम, जो हाई हील जूता, हाई हील लेडीज, हाई हील वाला, और बाटा का जूता, जो भी जूता, पाकिस्तान से जूता, अमेरिका का जूता और चप्पल जो पैर के नीचे हम रखते हैं, वो कहाँ बिक रहा है, मॉल में और एयर कंडीशन में। और जो हम खाते हैं, पीते हैं, जिनको आप अन्नपूर्णा कहते हैं, मांस है, मछली है, अंडा है, चावल है, दाल है, सब्जी है, बैगन है, गोभी है, फुटपाथ पर है, आप पिसा हुआ मसाला खाते हैं, हम बिना पिसा हुआ खारा मसाला ला के पीसते हैं। आज देश के 34% खेती पर, किसान खेती करना छोड़ दिया है, मात्र 34% पर खेती हो रही है। क्यों हो रही है? किसानों के खेती का, उसका प्रोड्यूस का कोई लेने वाला नहीं है, दाम नहीं मिल रहा है, और 100% खेती हमारी सबकी चौपट हो रही है। पैसा आएगा किसानों से सीधा, बिचौलिया खत्म होंगे। और जब कोई राज पर बाध्यता है ही नहीं, कंपल्शन है ही नहीं एफडीआई का, आप कोई भी डिटेल दुकान, क्या सुनने बोलने दीजिए भाई। भारत बंद में आप बोल रहे थे, भारत बंद में आप लोग बोल रहे थे, जिलेबी नहीं बिकेगा, चाय नहीं बिकेगा, मारेगा, पीटेगा, कहीं भी रिटेल पर, रिटेल दुकानदारों पर कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी बेचेगा, एक सा किस्म का मछली बिकेगा। अब मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ यूपी में मॉल है, वो वाल मॉल, क्या बोलते हैं, वाल मॉल, बिग बाजार, सब जगह बिग बाजार। ये जो दुकान खुलेगा, सिबल जी बोल नहीं पाए ढंग से जो रखना चाहते थे, इसको आप गलत, है हमारे वकील थे, हमारे बिना बिना फीस के वकील, फीस नहीं लिए आप। शिवल जी ने ये भाषण कल किया, आम आदमी नहीं, आम आदमी नहीं, आम आदमी नहीं, आम आदमी नहीं, मोटरसाइकिल वाला, फलाना वाला, अरे दिल्ली शहर में नहीं खुलेगा ये, दूर जहां लाखों स्क्वायर फीट जमीन मिलेगा, वहां दुनिया का, अपने देश का साग सब्जी मछली मांस, वो कॉफी जो दीदी पीती हो ना, नेस्केफ, नेस्केफ कॉफी, इस हर देश का कॉफी रखा रहेगा, गहना गुड़िया, इंटरटेनमेंट, लेना है तो लो, और नहीं लेना है तो मतलब तुम्हारी मर्जी, जहां से लेना आप लीजिए। तो कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रोक नहीं है,
आप ज्यादा बहादुर मत बनिए। अगर देश के किसान, हमारा रिटेल वाला, कोई दुकानदार, अगर जिस दिन हम लोग देखेंगे कि कोई खतरा आया तो एंटी अगर हुआ तो हम सारे दुकान में राष्ट्रीय जनता दल आग लगा के खत्म कर देंगे। आप ज्यादा गुमराह मत करिए। बात सुनिए, लाठी लेके चलते हैं देश के। बोलने नहीं देगा, ये लोग बोलने ही नहीं देंगे। मैडम रुकाइए, इनको बोलने दीजिए, हम नहीं बोले। ठीक है, अब आप समाप्त भी करिए। मैडम अब समाप्त भी करिए। क्या बात है, क्या सैनिक हो तुम? ठीक है आप बोलिए ना, आपका मैडम और जल्दी भी बोलिए। पूंजी आएगा और 100% किसान खेती करेगा अपने खेतों पर, पैदावार बढ़ेगा। और जो मॉल है, जो आएगा दुकान खुलेगा, उसमें काम करने वाले मजदूरों को उसके नौकरी की गारंटी रहेगी। गारंटी नहीं रहेगी, पेंशन मिलेगा, रोजी रोजगार मिलेगा। और ये उसी तरह से ये लागू कर दिए और ये लोग लागू करने में फेल हो गए हैं, इसलिए इनको तकलीफ है, इसलिए ये बोलने नहीं देना चाहता है। लोग निष्ठेपे पीने वालों, पूछो अडवाणी जी से ट्विटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? ट्विटर का, SMS का, ट्विटर। अडवाणी जी ने ट्विटर पर बोला, इमिग्रेशन नहीं है क्या? यहाँ पर विरोध करना है, विरोध करना है, किसने विरोध करना है? हमारा दल और हम 100% सरकार का रिफंड का जो आया है उसका हम सपोर्ट करते हैं, वोट करेंगे। और देश के किसानों को, हम देश के मजदूरों को, देश के नौजवानों को हम अपील करते हैं कि बीजेपी के झांसा में मत आना, ये देश को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। चलिए।